नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में एनालिसिस करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों देखिए, निफ्टी की हमारी क्लोजिंग हुई है 14,296 के आसपास में। जो लास्ट डे हमने क्लोज किया था वो हमने क्लोज किया था 14,360 के आसपास। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि हैमर कैंडल यहाँ पे बनी है और हैमर कैंडल के बाद में हमें ओपनिंग तो एक जबरदस्त मिलेगी। अब ओपनिंग के बाद हम सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ओपनिंग तो ऑलरेडी हमें यहाँ से लगभग 150 पॉइंट से ज़्यादा कि हमें गैप अप यहाँ पे मिला और गैप अप ओपन होने के बाद में वापस हमने जो हैमर कैंडल की ओपनिंग थी उसके नीचे आके हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, जो कि एक वीक सिग्नल है। अगर हम हैमर कैंडल के ऊपर ही क्लोज करते रहते हैं तो मेरा टारगेट, जैसा कि मैंने बताया था, कि हम 14,650 के आसपास तक भी जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने भी हैमर कैंडल को देख के उसी दिन अगर किसी बाइंग करके लेके गए होंगे तो उन्हें ओपनिंग में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा। जैसा कि मैंने भी कॉल वहाँ पर मैं लेके गया था और मुझे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर मिला हुआ था। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि कंटिन्यू हम पिछले 3-4 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुके हैं, यानी 14,250 का जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है उस लेवल को हम कंटिन्यू 3-4 बार टेस्ट कर चुके हैं 14,250 वाले लेवल पे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं तो पहले हमारे पास जो ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड में चल रही थी वो ये ट्रेंड लाइन थी, हमारा टारगेट यहां पे जाके कहीं बनेगा। अब हमने एक नई ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ कर ली क्योंकि ऑलरेडी हमें यहां पे फिर से 2 हाई यहां पे मिल चुके हैं, तो अब हमारा ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम करेगी। अब पहले हमें इस ट्रेंड लाइन को करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे। नीचे की साइड में देखेंगे तो जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आते हैं यहां पे सपोर्ट लेते हैं, तो यहां पे प्राइस एक्शन देखिए, तो यहां से हम गिरना स्टार्ट होते हैं, यहां पे आते हैं वापस, फिर हम यहाँ पे गए, फिर हम प्राइजेक्शन के हिसाब से हम फिर से इस लो को टच करते हैं, ट्रेंड लाइन को वापस हम इस ट्रेंड लाइन को अब टच कर रहे हैं, तो वापस हमें फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करना है। इस ट्रेंड लाइन को टच करने का मतलब कि हमें 14,000 के पास यहाँ पे आना है निफ्टी में। यहाँ से फिर देखेंगे किस तरह की मूवमेंट बनती है, यहाँ पे किस तरह से ट्रेड लेता है मार्केट, उसके बाद क्या वापस इस ट्रेंड लाइन की तरफ हम बढ़ते हैं या इसको नीचे की साइड में हम ब्रेक करते हैं। तो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है निफ्टी में 14,250 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं या कंटिन्यूटी के नीचे हम ट्रेड करते रहते हैं तो फिर हम यहाँ पे 14,000 के पास तक आ सकते हैं, फिर हमारा ये टारगेट होगा ये ट्रेंड लाइन, जो कि हम यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा किस तरह से हम ट्रेड लेते हैं, कंसॉलिडेट करके अगर ऊपर की साइड में निकलते हैं तो शायद फिर से हम इस लेवल को, जो हमारी ट्रेंड लाइन है, उसको हम टच करने के लिए यहाँ पर आएंगे। अब चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिखाता हूँ कि हमें एक्सपायरी वाले दिन किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से एक्सपायरी मूवमेंट हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, तो 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, तो जो लास्ट हमने यहाँ पे लो लगाया था वो लगभग हमने लगाया था 14,196 का लेवल हमने लो लगाया था। अब यहाँ पे देखिए लास्ट के ये, देखिए लास्ट के ये 3-4 कैंडल को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितनी बड़ी मूवमेंट है। यहाँ पे देखिए इसका कैंडल का हाई, जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, इस ग्रीन कैंडल का जो हाई लगा हुआ है वो लगा हुआ है यहाँ पे 14,319 का, और इसका जो लो लगा हुआ है वो लगा हुआ है यहाँ पे 14,207 का। तो यानी लगभग 100 पॉइंट की कैंडल है ये, जो निफ्टी की कैंडल आपको दिख रही है, दो कैंडल मिला दिया तो 100 पॉइंट की ये कैंडल बनी हुई है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर निफ्टी 14,270 के नीचे ट्रेड करे तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे निफ्टी को। हमारा टारगेट जो होगा 14,220 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद टारगेट हमारा 14,180 का, और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 14,120 का। ये 3 टारगेट हमारे निफ्टी में होंगे। अगर निफ्टी इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद 270 को ब्रेक करेगा तो 220, 180 और यहाँ पे 120 के हमारे टारगेट निफ्टी में होंगे। देखिए कल के सेशन में मान लीजिए हम बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, यार गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन हम ओपन होते हैं कहाँ पे, 14,220, 230, 240 के आसपास हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं इस रेंज के आसपास में, और अगर हम 14,200 को ब्रेक करते हैं तो बहुत फास्ट आपको जो एक मूवमेंट देखने को मिलेगी वो 14,150 तक बहुत फास्ट मूवमेंट नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने भी बाइंग किया होगा इन 2 दिनों में ना, उन लोगों का स्टॉप लॉस इसी लेवल के आसपास में होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टॉप लॉसेस कटेंगे सुबह सुबह अगर हम 14,220, 230 के पास ओपन होते हैं और 14,200 लेवल को ब्रेक करते हैं तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे एक सेलिंग आएगी, जो कि इसको 14,150 और शायद 14,100 के आसपास भी लेके आ सकती है। लेकिन ये तब होगा जब हम 60-70 पॉइंट गैप डाउन ओपन होते हैं और उसके बाद फटाक से इस लेवल को ब्रेक करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, सॉरी गैप डाउन ओपन हो जाए, तो आप वेट कीजिए रेंज का। 100-150 पॉइंट गैप डाउन के बाद में आपको वेट करना है रेंज बनने का, फिर उस रेंज को हम ट्रेड करेंगे। देखिए ट्रेड करने की कोई जल्दी नहीं, आराम से बैठिए, मार्केट आपको देगा, क्योंकि ये रेंज बना के इसी में रहेगा ना, ये कहीं ना कहीं निकलेगा और जिस साइड में निकलेगा फिर उस साइड में हम
यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि आपको 40 से 50 पॉइंट की एक वन वे मूवमेंट निफ्टी करता हुआ दिखेगा, जिस साइड भी ब्रेक करे, ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। मान लीजिए हम बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो फिर छोड़ दीजिए, यहाँ पे वेट कीजिए रेंज का, और बहुत बड़े गैप अप ओपन होने के बाद मैं बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, यहाँ पे वेट कीजिएगा कोई आपको कोई बेरिश कैंडल मिले तो उसको सेल करने का। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, यहाँ पे एक सात सेलिंग आएगी जब हम 14,200 को ब्रेक करेंगे नीचे की साइड में 60-70 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद में। तो अगर आप भी फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, आप स्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है, और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप एक्टिव होकर वहाँ पर ट्रेड करते हो तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आप अपने किसी फैमिली मेंबर का भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग वहीं पड़ेगी क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ एक्टिव ट्रेडर को ही दी जाएगी। अब चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक्स हमारा अदानी पोर्ट है, तो पहले मैं ये सब सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ और चार्ट को मैं डेली लगा लेता हूँ। अदानी पोर्ट का चार्ट में ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो बनेगा 660-650 के आसपास का। एशियन पेंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस लेवल के नीचे अगर निकलता है यानी 2500 के नीचे क्लोज करता है तो वापस ये नीचे की तरफ आ सकता है। जो इसका सपोर्ट है वो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मान के आप SL यहाँ पे लगा के रख सकते हैं। बजाज ऑटो बाइंग साइड का मेरा व्यू तभी होगा जब हम 3800 के ऊपर क्लोज करेंगे। सेल साइड का व्यू मेरा यहाँ पे क्लियर है कि अगर हम 3450 के नीचे क्लोज करते हैं तो हम यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। बजाज फिनसर मेरा व्यू अभी कुछ नहीं है, बजाज फाइनेंस में भी वेट कीजिए, भारतीय एयरटेल उसी रेंज में फंसा हुआ है यहाँ पे। BPCL पे नज़र बना के रखिएगा, जैसे ये 400 के लेवल को ब्रेक करता है बहुत शार्प सेलिंग यहाँ पे आएगी जो कि इसको 375 के आसपास तक लेके आएगी। ब्रिटानिया में कोई क्लियर व्यू नहीं है यहाँ पे, सिप्ला कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए चला जा रहा है, तो जिसके पास पोजीशन हो वो स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे 900 का फॉलो कर सकते हैं। कोल इंडिया कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट के बाद मुझे लगता है अभी नीचे के लेवल ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, तो 123 अगर इंट्राडे में ब्रेक करता है तो इसको सेल कीजिए 120 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत अच्छी मूवमेंट हो चुकी है, तो कंसोलिडेट के बाद में अगर वापस ये 3850 को ब्रेक करे तो यहाँ पे लेके जाइए 4050 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 3800 का जरूर लगा लीजिएगा क्लोजिंग बेसिस पे। डॉक्टर रेड्डी अपने इस रेड कैंडल के हाई को क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट ऑलरेडी बनी हुई है, अब जिसका ऐसे होगा वो 4800 के आसपास में लगाना होगा। आईसर मोटर अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल है 2400 को इसको ब्रेक कर दिया है, तो इंट्राडे में ये बेस्ट कैंडिडेट होगा, अगर मार्केट वीक होता है तो आप इसको सेल कीजिएगा, आईसर मोटर को सेल कीजिएगा 2320 के नीचे अगर निकलता है वैसे ही सेल कर दीजिएगा, पहला टारगेट 2300 और दूसरा टारगेट यहाँ पे 2280 का आपको मिल जाएगा। ग्रासिम में अब वीकनेस यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत दिनों से ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा था, तो मैंने स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पे 1350 का आप लोग को बताया था, वो स्टॉप लॉस हो चुके हैं, अब वेट करेंगे हम ग्रासिम के लिए। SCL टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी ब्रेकडाउन एक मिला है ट्रेंड लाइन का, तो इसको भी अगले दिन आप इसकी लो के नीचे यानी 956 के नीचे इसको सेल कीजिए 940 और 920 के टारगेट के लिए। HDFC लिमिटेड इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 2350 के आसपास का है। दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे फ्री प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। HDFC लाइफ सपोर्ट ध्यान से रखिएगा 660 के आसपास में है। हीरो मोटोकॉर्प ये भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके लिए भी वेट करेंगे अब ये कि 2750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे एक मूवमेंट डाउनसाइड की मिल सकती है। हिंडाल को एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पर भी, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है हायर एंड पे, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए या ऐसे यहाँ पे लगा लीजिए 330 का। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2500 के ऊपर ही नई मोमेंटम यहाँ पे बनेगी। इन्फी अभी कुछ नहीं करना है, वेट करना है। IOC भी ये भी देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो सपोर्ट है वो 84 के आसपास में आपको मिल जाएगा। ITC 200 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म व्यू किसी का है, लंबा नजरिया है 2-3 साल का, तो मेरे ख्याल से 100 के आसपास इसको ऐड करें, और उसके नीचे अगर फिर मिलता है तो 180 के पास में भी और ऐड कर सकते हैं। JSW स्टील जो इसका स्टॉप लॉस लगा के रखिए वो 600 के नीचे का क्लोजिंग। LNT इसको सेल कीजिएगा, अगर ये इस लो के नीचे यानी 1300 के नीचे ट्रेड करें तो इसको सेल कर सकते हैं। M&M कुछ नहीं करना है, मारुति में भी वेट कीजिए, नेस्ले में भी मेरा कोई व्यू नहीं है। NTPC यहाँ पे 98 के आसपास का एक सपोर्ट ले रहा है, तो 98 के नीचे टारगेट इसका 94 का रहेगा। ONGC कुछ नहीं करना है अभी। पावर ग्रिड में ऑलरेडी मैंने बताया था कि स्ट्रांग जो सपोर्ट उसको ब्रेक कर दिया, इसने ब्रेक करने के बाद अगला सपोर्ट इसका 200 के आसपास का है। रिलायंस सपोर्ट 1850 के आसपास में है,
SBI लाइफ का सपोर्ट जो है वो 840 के आसपास में है। श्री सीमेंट प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया। सन फार्मा अगर 650 के ऊपर क्लोज करे तो इसे जरूर लेके जाइएगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बनी हुई है, लेकिन इसको ध्यान रखिए 650 के ऊपर क्लोज करे तो जरूर ले लीजिएगा 630 का SL लगा के। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर भी देखिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट ऊपर की साइड में हो रही, तो इसलिए यहाँ पे 640 का लगा के रखिएगा। टाटा मोटर अब कंसोलिडेट करेगा, मेरे ख्याल से लगता है 280-320 की रेंज में, अगर 280 ब्रेक करेगा तो फिर ये 255 की तरफ बढ़ेगा। टाटा स्टील यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, TCS में भी प्रॉफिट बुकिंग चालू है, टेक महिंद्रा में भी जो सपोर्ट है वो 900 के आसपास का है। यहाँ पे टाइटन में ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है यानी 1500 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर से ये स्टॉक्स आपको 1400 के आसपास दिखेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट काफ़ी बड़ी मूवमेंट कल के सेशन में यहाँ पे हुई है, तो ध्यान रखिएगा अगर ये 6000 के नीचे क्लोजिंग करेगा तो फिर ये स्टॉक भी 5200-5300 की तरफ बढ़ सकता है। UPL इसके लिए भी स्ट्रांग सपोर्ट है, ध्यान रखिए बहुत तेज़ ये मूवमेंट हो सकती है इस लेवल के नीचे, क्योंकि काफ़ी सारे सेल यहाँ पे कटेंगे पोजिशनली, तो ध्यान रखिएगा 580 के नीचे स्टॉक यहाँ 520 तक फिसल के आ सकता है। अगर इंट्राडे में 580 के नीचे ट्रेड करता है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। विप्रो काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके आप यहाँ पे 460 के आसपास का यहाँ पे SL लगा लीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। 1,00,000 से ज़्यादा मेंबर वहाँ पे जुड़े हैं, तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।